रामनाथ कोविंद के भाई हमारे साथ हैं। सर आपके भाई राष्ट्रपति बन गए हैं, जी हाँ, तरह से शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अभी कहाँ से आए शपथ ग्रहण सभा? मैं गुना मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश में आप रहते, अब राष्ट्रपति भवन में रहने का आप भी लुत्फ उठाएंगे क्या? कभी सपना नहीं? नहीं, क्यों 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 नहीं, क्यों नहीं, जब ऐसा अवसर मिला तो क्यों नहीं उठाना चाहिए। क्या सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया था, आमंत्रित? नहीं नहीं, फैमिली मेंबर्स आए थे, इतने पासिस नहीं बन पाए। उनके गाँव में बहुत उत्साह है लोगों को, और पूरे गाँव के लोग राष्ट्रपति भवन घूमना चाहते हैं, तो क्या गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा? क्यों नहीं हो, उनको सभी को और आपको भी। हाँ, सभी को। आप ऐसे क्या अनुभव बांटना चाहते हैं राष्ट्रपति जी के, चूंकि आप भाई हैं? जी अनुभव क्या, सब अच्छे अनुभव हैं भाई। शुरू से क्या लगता था कि वो इसमें आएंगे, राजनीति में आएंगे, या फिर इतने उच्च पद पर? हाँ, नहीं इतना नहीं था कि इतने सर्वोच्च पद पर पहुँच जाएंगे। हाँ, ये कल्पना के परे बात है, और ये सब लोकतंत्र में ही संभव है। अगली पीढ़ी जो आपके परिवार में होंगे, उनका भी सपना होगा राष्ट्रपति भवन में रहने का? हाँ, क्यों क्यों नहीं, सभी चाहेंगे, सभी चाहेंगे। आप उनके बड़े भाई हैं? जी हाँ। आप किस तरह क्या आशीर्वाद देंगे जो वो, जिस पर वो खड़े उतरे? बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए, हाँ, इस पद पर पहुँचने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से देश की सेवा के रूप में काम करें, और अपनी जो सीमाओं की है समस्या उसे भी अच्छी तरीके से हल करें, और ये तमाम दुनिया भर की जितनी बहुत सी बातें इस समय चल रही हैं, तो उन सब समस्याएं तो हैं, उनको कैसे? आप लोगों ने बचपन में बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और अब सर्वोच्च पद पर, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के भाई हैं जो बड़े भाई हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और साथ ही बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके भाई एक सर्वोच्च पद पर पहुंच चुके हैं। समय दिल्ली से कैमरामैन ललन ठाकुर के साथ अनामिका रत्ना।